हेलो एवरीबॉडी, मैं निशा पांडे, आपकी सबसे पसंदीदा वेबसाइट streetfood.cafe से। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ माता वैष्णो देवी के बारे में। माता वैष्णो देवी का बुलावा आने पर भक्त किसी ना किसी बहाने से उसके द्वार पहुँच ही जाता है। हसीन वादियों में त्रिकूट पर्वत पर गुफा में विराजित माता वैष्णो देवी का स्थान हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहाँ दूर दूर से लाखों श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए आते हैं। पहाड़ों वाली माता वैष्णो देवी सबकी मुरादें पूरी करती हैं। उसके दरबार में जो कोई सच्चे दिल से जाता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। ऐसा ही सच्चा दरबार है ये। वैष्णो देवी मंदिर शक्ति को समर्पित एक पवित्रतम हिंदू मंदिर है, जो कि भारत के जम्मू और कश्मीर में वैष्णो देवी की पहाड़ी पर स्थित है। हिंदू धर्म में वैष्णो देवी, जो माता रानी और वैष्णवी के रूप में भी जानी जाती हैं, देवी का अवतार हैं। मंदिर जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में कटरा नगर के समीप व्यवस्थित है। प्राचीन मान्यता के अनुसार माता वैष्णो के एक परम भक्त श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उसकी लाज रखी और दुनिया को अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया। एक बार ब्राह्मण श्रीधर ने अपने गांव में माता का भंडारा रखा और सभी गाँव वालों व साधु संतों को भंडारे में पधारने का निमंत्रण दिया। पहली बार तो गाँव वालों को विश्वास नहीं हुआ कि निर्धर श्रीधर भंडारा कर रहा है। श्रीधर ने भैरवनाथ को भी उसके शिष्यों के साथ आमंत्रित किया गया था। भंडारे में भैरवनाथ ने खीर पूड़ी की जगह मांस मदिरा का सेवन करने की बात की। तब श्रीधर ने इस बात पर असहमति जताई। अपने भक्त श्रीधर की लाज रखने के लिए माँ वैष्णो देवी कन्या क्या रूप धारण कर भंडारे में आई। भोजन को लेकर भैरवनाथ के हट पर अड़ जाने के कारण कन्या रूपी माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को समझाने की कोशिश की, किंतु भैरवनाथ ने उसकी एक ना मानी। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब वह कन्या वहां से त्रिकूट पर्वत की ओर भागी और उस कन्या रूपी वैष्णो देवी ने हनुमान जी को बुलाकर कहा कि भैरवनाथ के साथ खेलो, मैं इस गुफा में 9 महीने तक यहीं तपस्या करूंगी। इस गुफा के बाहर माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने भैरवनाथ के साथ 9 माह तक खेला। आज इस पवित्र गुफा को अर्धकुंवारी के नाम से भी जाना जाता है। अर्धकुंवारी के पास ही माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। कहते हैं उस वक्त हनुमान जी ने माँ की रक्षा के लिए माँ वैष्णो देवी के साथ ही थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर एक बाढ़ चलाकर जल धारा को निकाला और उस जल में अपने केश धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाढ़ गंगा के नाम से जानी जाती है, जिसके पवित्र जल का पान करने या स्नान करने से भक्तों की सारी व्याधियां दूर हो जाती हैं। त्रिकूट पर वैष्णो माँ ने भैरवनाथ का संहार किया था और उसके क्षमा मांगने पर उसे अपने ऊंचा स्थान दिया था। जो मनुष्य मेरे दर्शन के पश्चात तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा, उसकी यात्रा पूरी नहीं होगी। अतः श्रद्धालु आज भी भैरवनाथ के दर्शन को अवश्य जाते हैं। भैरवनाथ का वध करने पर उसका शीश भवन से 3 किलोमीटर दूर स्थान पर गया था। आज उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमाधान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। कटरा व जम्मू के नज़दीक अन्य कई दर्शनीय स्थल व हिल स्टेशन हैं, जहां जाकर आप जम्मू की ठंडी हसीन वादियों का लुत्फ उठा सकते हैं। जम्मू में अमर महल, बहुफोर्ट, मंसर लेक, रघुनाथ टेंपल आदि देखने लायक स्थान हैं। जम्मू से लगभग 112 किलोमीटर की दूरी पर पटनी टॉप एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। सर्दियों में यहाँ आप स्नोफॉल का भी मज़ा ले सकते हैं। कटरा के नज़दीक शिवखोरी, झज्जर कोटली, सनासर, बाबा धनसार, मानतलाई, खुद बटोट आदि कई दर्शनीय स्थल हैं। streetfood.cafe से आपकी होस्ट निशा पांडे।